हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है वो है खिचड़ी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। खिचड़ी, जी हाँ, खिचड़ी तो आपने ज़रूर खाई होगी। अगर घर में कोई बीमार होता है या किसी के पेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो खिचड़ी ज़रूर बनाते हैं। पर दोस्तों, हमें खिचड़ी को कुछ कुछ दिन के गैप में ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल खाना होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, तो इसको पचाने में पेट को काफ़ी आराम मिलता है। खिचड़ी का इंग्लिश में मतलब बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम ऐसे ऐसे वर्ड आपके लिए ढूंढ के लाते रहेंगे जिससे कि आपकी नॉलेज इंप्रूव होती रहे। तो खिचड़ी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोलेंटा, पोलेंटा, पोलेंटा। खिचड़ी का एक सिनोनिमस और है जो हम यूज़ करते हैं, मश, मश। बट आपको कहीं भी यूज़ करना हो तो आप मश का यूज़ ना करें, पोलेंटा का यूज़ करें। काफ़ी यूनिक वर्ड है, काफ़ी अच्छा वर्ड है और इसका एक्यूरेट मतलब खिचड़ी ही निकलता है। मश को हम काफ़ी जगह के मिक्सचर के लिए भी यूज़ करते हैं, कोई और ऐसी चीज़ जो खिचड़ी की तरह ही बनती है उसके लिए हम मश भी यूज़ कर सकते हैं, बट पोलेंटा खिचड़ी के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो आप पोलेंटा का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए जिससे कि आपकी नॉलेज और इम्प्रूव हो सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू।